नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। मैं रेनु वैद आज आपको बीएड सेकंड ईयर का पेपर नवम अधिगम के लिए आकलन यूनिट फर्स्ट का टॉपिक सतत एवं समग्र मूल्यांकन के बारे में अध्ययन करवाऊंगी। आप सब जानते हैं बच्चों कि मैंने पहले के वीडियोस में आपको आकलन, मापन और मूल्यांकन के बारे में बताया था। तो मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों पर जोर दिया जाता है। किसमें? मूल्यांकन में। मूल्यांकन जिसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग हमने पिछले वीडियो में देखा था बच्चों, पहला था आपका रचनात्मक और दूसरा था आपका योगात्मक। देखो बच्चों, जब रचनात्मक और योगात्मक दोनों प्रकार का मूल्यांकन करते हैं तो उसमें सततता और समग्रता, कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवॉल्यूएशन होना बहुत ही जरूरी है। ये हमारी आज की शिक्षा पद्धति कहती है। आज हमारी शिक्षा पद्धति ने किसको आधार बना रखा है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन को क्या बना रखा है? आधार बना रखा है। क्या आधार बना रखा है? हमारी शिक्षा पद्धति आज कह रही है कि बालक हर दिन नया सीखता है, हर दिन उसके लिए नया होता है, इसलिए हर दिन का आकलन होना चाहिए। और वो आकलन तभी हो सकता है जब आकलन सतत हो और समग्र, मतलब सारा जो है छात्र की प्रगति के समस्त वातावरण का अगर बच्चे का मूल्यांकन किया जाए तो बच्चे का अच्छे से क्या किया जा सकता है? मूल्यांकन किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आज जो हम पढ़ा रही हूं मैं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ऐसा मूल्यांकन जिसमें समग्रता हो अर्थात जिसमें व्यापकता हो, वो जो और सतत हो, निरंतर जो मूल्यांकन किया जाता है बच्चों, उसी को बोलते हैं हम सतत एवं समग्र मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवॉल्यूएशन, CCE जिसको कहा जाता है। तो आज हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो CCE पर आधारित है। और CCE में आपको मैंने बताया था कि आज हमारी शिक्षा पद्धति में कक्षा 1 से लेकर 5 तक दो सेमेस्टर बनाए जाते हैं। पहला जुलाई से नवंबर तक और दूसरा दिसंबर से लेकर अप्रैल तक। तो दो सेशन में बच्चे का हर तरीके से मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि हमारे शिक्षाविदों का कहना है कि बच्चे का अगर इवॉल्यूशन अच्छे तरीके से करना है, अच्छे प्रकार से करना है, विश्वसनीयता, वैधता, सततता, समग्रता का अगर ध्यान रखना है बच्चों, तो हमें क्या करना होगा? हमें ना केवल त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं लेनी होगी, बल्कि बच्चे का सतत और निरंतर मूल्यांकन करना पड़ेगा, क्योंकि हर बच्चे का हर दिन नया होता है, हर दिन उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो आज हमारे जो CCE पर हमारी जो शिक्षा पद्धति आधारित है वो क्यों आधारित होनी चाहिए, और अगर हमने CCE को अपनाया है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन पद्धति को मूल्यांकन में अपनाया है, तो कौन कौन से उनके सोपानों को हमें अपनाना होगा वो इस वीडियो में हम देखते हैं। देखो बच्चों, अपना टॉपिक है, इसके सोपान क्या है। अगर हम CCE पर आधारित शिक्षा पद्धति बच्चे को देते हैं तो हमें किन किन सोपानों से होकर या किन किन चीजों को ध्यान में रखना होगा। CCE पर आधारित अगर इवॉल्यूशन होता है बच्चे का, मूल्यांकन होता है, तो कौन कौन से सोपानों को अपनाया जाएगा वो देखते हैं। पहला है छात्र के बारे में विभिन्न सूचनाओं का संग्रह करना। छात्र के बारे में सबसे पहले हमें उसकी सूचनाओं के बारे में संग्रह करना पड़ेगा कि छात्र का लेवल क्या है, छात्र अगर किसी चीज को सीख पा रहा है तो उसे किन किन विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होगी, इन सारी चीजों को हमें संग्रहित करना पड़ेगा। तो पहला हमें
छात्र के बारे में विभिन्न सूचनाओं का संग्रह करना पड़ेगा। दूसरा है बच्चा अभिलेखों में दर्ज करना। छात्र की सूचनाओं को संग्रहित करने के बाद हर छात्र के बारे में एक रिकॉर्ड रखना होगा, क्योंकि सीसी जो मूल्यांकन है, इवोल्यूशन है, वो ये कहता है कि हर छात्र की हर स्थिति का, छात्र के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का, छात्र की सामाजिक स्थिति का, सामाजिक छात्र की विभिन्न सामाजिक आवश्यकताओं का हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। तो अभिलेखों में उसको दर्ज करना पड़ेगा। पहले तो छात्र की सूचनाओं को संग्रहित करेंगे, फिर अभिलेखों में उसको क्या करेंगे, दर्ज करेंगे। फिर आता है बच्चों सूचनाओं और प्रमाणों के आधार पर प्रगति के संबंध में निष्कर्ष निकालना। हमने छात्र के बारे में सूचनाएं संग्रहित करी, फिर एक रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड बनाने के बाद हम देखेंगे कि छात्र ने कितनी प्रगति की है, छात्र का प्रगति क्या है। प्रमाणों के आधार पर और सूचनाओं के आधार पर हम देखेंगे कि छात्र ने कितनी प्रगति की है। उसके बाद उसमें निष्कर्ष निकालेंगे कि बच्चा औसत है, बच्चा मंदबुद्धि है, बच्चा प्रतिभाशाली है, बच्चा सृजनात्मक है, बच्चा दृष्टिबाधित है, बच्चा किन किन दौर से गुजर रहा है, उसकी समस्या क्या है, उसकी कठिनाइयां क्या है, और उन कठिनाइयों के आधार पर छात्र की प्रगति का मूल्यांकन कर लेंगे। मूल्यांकन करने के बाद बच्चों हम उसको फीडबैक देखें। क्या देंगे? फीडबैक, पृष्ठ पोषण देंगे। बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों और संबंधित लोगों को इसके बारे में बताएंगे कि छात्र की प्रगति कितनी है, सूचना और प्रमाणों के आधार पर छात्र ने कितनी प्रगति की है उसके बारे में छात्र को बताएंगे, शिक्षक को बताएंगे और उससे संबंधित जितने भी लोग हैं उनको इसके बारे में बताएंगे। तो चौथा जो सोपान है बच्चों, आकलन संबंधी पृष्ठ पोषण बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों व संबंधित लोगों को बताना। अब उसके बाद क्या आएगा बच्चों, विभिन्न अभिलेख तथा शिक्षक डायरी, छात्र संचयी पत्र, छात्र प्रोफाइल में सूचनाओं का क्या करेंगे, संग्रह कर लेंगे। छात्र की सूचना जो हमने इकट्ठी करी है, छात्र की प्रगति जो हमने जानी है, उसको क्या करेंगे, अभिलेखों में दर्ज करेंगे। टीचर अपनी डायरी में हर बच्चे की विभिन्न आवश्यकता, अधिगम कठिनाई, छात्र की प्रगति को अपनी डायरी में मेंटेन करेगा। इसके अलावा छात्र संचयी पत्र, हर छात्र का जो रिकॉर्ड रखा जाता है जिसे छात्र संचयी पत्र कहते हैं, उसमें भी उसकी प्रगति को लिखा जाएगा। उसके अलावा उसकी प्रोफाइल में सूचनाओं का एक दस्तावेज तैयार किया जाएगा। कौन सी पद्धति के कारण है ये सब चीज, सीसीई पद्धति पर आधारित है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में पहले छात्र की सूचनाओं के बारे में जानेंगे, फिर उसका अभिलेख तैयार करेंगे, फिर छात्र की प्रगति को जानेंगे, फिर उसके बारे में जो भी हमने प्रगति करी है उसको अभिलेखों, छात्र संचयी पत्र, शिक्षक डायरी में मेंटेन करेंगे। उसके बाद कक्षा एक से लेकर पांच तक मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं बच्चों? मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं। छात्र और जो आपका शिक्षक है उसको, शिक्षक जो है छात्र के मॉड्यूल्स तैयार करता है, पाठ्यक्रम के मॉड्यूल्स तैयार करवाता है। उसके बाद शिक्षण सत्र को पांच पांच माह के दो टर्मों में बांटा जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया भी था कि सेमेस्टर वाइज जो है टर्म बना दिए जाते हैं। पहला पांच महीना और फिर बाकी के पांच महीने दो सेमेस्टर्स में जो है बच्चे को क्या करवाया जाता है, अध्ययन करवाया जाता है। तो शिक्षण सत्र को पांच पांच माह के दो टर्मों में बांट दिया जाता है। उसके बाद जुलाई से नवंबर और दिसंबर से अप्रैल दो सेमेस्टर इसमें बनाए जाते हैं, और इन दो सेमेस्टरों के आधार पर जो है
बच्चे को ग्रेडिंग दी जाती है। और आज भी हमारी न केवल भारत सरकार, राजस्थान सरकार ने भी सीसी पद्धति को आधार बनाया है प्राथमिक शिक्षा में। और आज भी हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें कक्षा एक से लेकर पांच तक दो टर्म बना दिए जाते हैं। जुलाई से लेकर नवंबर तक बच्चे को ग्रेडिंग दी जाती है, उसके बाद नवंबर से अप्रैल तक बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है, सतत और समग्र मूल्यांकन किया जाता है और बच्चे को ग्रेडिंग दी जाती है। बच्चों के लिए मॉड्यूल्स तैयार किए जाते हैं। ये है बच्चों आपके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सोपान, जिसमें पहला है छात्र के बारे में विभिन्न सूचनाओं का संग्रह करना, दूसरा अभिलेखों में उसको दर्ज करना, तीसरा सूचनाओं प्रमाणों के आधार पर छात्र की प्रगति के संबंध में निष्कर्ष निकालना, फिर है आकलन संबंधी पृष्ठ पोषण, बच्चों अभिभावकों शिक्षकों तथा संबंधित लोगों को बताना, उसके बाद विभिन्न अभिलेख, शिक्षक डायरी, छात्र संचय पत्र, छात्र प्रोफाइल में सूचनाओं का संग्रह करना, शिक्षण सत्र को पांच पांच माह के दो टर्मों में विभाजित करना, कक्षा एक से लेकर पांच तक सबसे पहले सतत एवं समग्र मूल्यांकन को अपनाया गया, जुलाई व नवंबर में पहला टर्म होगा, दिसंबर से अप्रैल तक दो टर्म दूसरा टर्म होगा और छात्र को उसके आधार पर ग्रेड दी जाएगी। अब बात आती है कि अगर हमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अपनाना है तो विद्यालय के स्वरूप को कैसा बनाना होगा, अगर छात्र की प्रगति का निरंतर मूल्यांकन करना है, छात्र के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना है, ज्ञानात्मक भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, मूल्यांकन को विश्वसनीय और वैध बनाना है, मूल्यांकन में निरंतरता लानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। एक अच्छी शिक्षा प्रणाली, एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय के स्वरूप में भी चेंजेज करने पड़ेंगे, परिवर्तन करने पड़ेंगे। तो अगर हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति को विद्यालय में अपनाते हैं तो हमें विद्यालय के स्वरूप में क्या क्या परिवर्तन करना पड़ेगा वो देखते हैं बच्चों। पहला है शिक्षण योजना में बदलाव। सबसे पहले हमें सीसीई को अपनाना है तो शिक्षण योजना जो हमने प्लानिंग्स कर रखी है उसमें क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। जैसे कि हमने दो टर्मों में इसको विभाजित किया कि बच्चे को जो एजुकेशन दी जाएगी वो साल भर की नहीं दिखा करके दो टर्मों में उसको विभाजित किया जाएगा, हर छः महीने में बच्चे को ग्रेडिंग दी जाएगी। तो सबसे पहले अगर हमें सीसीई पर आधारित मूल्यांकन पद्धति को अपनाना है तो हमें शिक्षण योजना में बदलाव करना होगा, पढ़ाने के तरीके में शिक्षण की जो योजनाएं हैं उनमें परिवर्तन करना पड़ेगा। उसके बाद है नियमित मूल्यांकन। देखो बच्चों, अगर बच्चे को ग्रेडिंग देनी है तो टीचर को क्लास में हर दिन बच्चे का क्या करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा, हर दिन की अधिगम परिस्थितियों, अधिगम कठिनाइयों, छात्र की प्रगति, उसने कितना सीखा, किन किन उद्देश्यों को किन किन सीमा तक प्राप्त किया जा सका, इन सब के बारे में हमें नियमित तरीके से मूल्यांकन करना पड़ेगा। हर छात्र के बारे में देखना होगा कि छात्र कितना सीख पा रहा है। उसके बाद आएगा पाठ्यक्रम का प्रबंधन। देखो बच्चों, पहले जो पाठ्यक्रम बनाया जाता था वो पूरे साल भर का बनाया जाता था, लेकिन अब जो पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है वो सेमेस्टर वाइज बनाया जा रहा है, यूनिट वाइज बनाया जा रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर में इतने टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे और सेकंड सेमेस्टर में इतने टॉपिक्स का अध्ययन करवाया जाएगा। तो पाठ्यक्रम का प्रबंधन इस प्रकार करना है ताकि छात्र अच्छा अधिगम कर सके, हर दिन बच्चा अलग सीख सके और छात्र की नियमित रूप से और समग्र बालक का क्या हो सके, मूल्यांकन हो सके, इस तरीके से पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए ताकि बच्चे का निरंतर और उसके हर पक्ष का क्या हो सके बच्चों, मूल्यांकन हो सके। उसके बाद आता है मूल्यांकन के उपकरणों और तरीकों में बदलाव। आप सब जानते हैं बच्चों, आज हमारी जो परीक्षा प्रणाली है
उसमें विश्वसनीयता नहीं है, वैधता नहीं है। हमारे भारत में आज भी योगात्मक आकलन किया जाता है और योगात्मक आकलन में परीक्षा के अंकों पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो सीसीई ये कहती है कि परीक्षा के अंकों के आधार पर बालक का मूल्यांकन किया जाना सही नहीं है। त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के जो निष्पत्ति परीक्षण बच्चे के हो रहे हैं, उसके अलावा भी छात्र की कक्षा में एक कक्षा वातावरण में भी उसकी स्थिति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो मूल्यांकन में जो उपकरण काम में लिए जाए, मूल्यांकन में जो निष्पत्ति परीक्षण के माध्यम से हम मूल्यांकन कर रहे हैं वो सही नहीं है। मानदंड परीक्षा प्रणाली के आधार पर भी बालक का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो बालक के ग्रेडिंग पद्धति, ये जो मूल्यांकन के उपकरण है और जो तरीके हैं उसमें बदलाव किया जाना चाहिए, तभी बालक का सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जा सकता है। उसके बाद आता है कक्षा प्रबंधन एवं समय प्रबंधन को लचीला बनाना। देखो बच्चों, कक्षा का जो प्रबंधन है, समय का जो प्रबंधन है, उसमें क्या, क्योंकि कठोर अनुशासन में भी बच्चा नहीं सीख सकता है। बच्चों, बच्चे को समस्या दी जानी चाहिए, उसको स्कूल में खुला वातावरण मिलना चाहिए ताकि बच्चा अच्छा अधिगम कर सके। तो कक्षा प्रबंधन और जो समय प्रबंधन जो बना रखा है वो सही नहीं है। तो आज हमारी जो शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई है, वो भी यही कहती है कि बच्चे को खुला छोड़ो, बच्चे को इस प्रकार का वातावरण दो ताकि बच्चे को समस्या दी जाए, ना कि रटने की प्रवृत्ति पर बल दिया जाए। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि कक्षा प्रबंधन और समय प्रबंधन में लचीलापन होना चाहिए, बच्चे के ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए, तभी हम बच्चे का अच्छे तरीके से मूल्यांकन कर सकता है। आप सब जानते हैं बच्चों कि क्लास में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तब उनका ध्यान नहीं होता है, लेकिन जब एग्जाम होता है तो बच्चा रट करके अच्छे अंक ले आता है। तो क्या वो अधिगम हुआ? नहीं, वो अच्छा अधिगम नहीं है। इसीलिए सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए कि जब क्लास में टीचर ने सिखाया उसी समय टीचर के द्वारा क्वेश्चन बच्चे से पुटअप करवाने चाहिए, क्रिएटिविटी बच्चे से करवाई जानी चाहिए ताकि बच्चे का क्या हो सके, बच्चा अच्छा अधिगम कर सके। उसके बाद आता है बच्चों की प्रगति को प्रदर्शित करने की तकनीक को अपनाना। देखो बच्चों, बच्चे को प्रगति को प्रदर्शित करने की ऐसी तकनीक अपनाना ताकि बच्चे का सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जा सके। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज जो हमारी ग्रेडिंग पद्धति दी जा रही है उससे बच्चे का ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का मूल्यांकन हो रहा है। तो तीनों पक्षों के मूल्यांकन और छात्र की प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए अच्छी तकनीक का प्रयोग होना चाहिए। अब बात आता है इस प्रकार के अवसर बच्चे को उपलब्ध करवाने चाहिए, इस प्रकार का कक्षा में बच्चे को वातावरण दिया जाना चाहिए ताकि उसके ज्ञान के सृजन का उसको अवसर मिल सके, उसके ज्ञान का निर्माण हो सके, वास्तविक अनुभवों का उसको ज्ञान हो सके, तात्कालिक समस्याओं से वो आसानी से निपटारा कर सके, इस प्रकार का ज्ञान जो है वो बच्चे को दिया जाना चाहिए। उसके बाद आता है प्रयुक्त सामग्री। ये है कि अगर सीसीई पर आधारित मूल्यांकन करना है तो विभिन्न स्रोतों की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों। पहला है स्रोत पुस्तिका। पहले बच्चे की सूचनाओं का संग्रह करने के लिए एक स्रोत पुस्तिका बनानी पड़ेगी ताकि हर बच्चे की सूचनाओं को उसमें क्या किया जा सके, संकलित किया जाए, बच्चे की हर दिन की एक्टिविटी को उसमें लिखा जाए। उसके बाद आता है योजना एवं आकलन पंजिका। अब बच्चे की एक प्लानिंग करी जाएगी कि किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है, किस तरीके से हर बार हर दिन कक्षा में उसका आकलन करने के लिए एक प्लानिंग बनाई जाएगी,
उसके लिए एक रजिस्टर बनाया जाएगा। उस रजिस्टर का नाम होगा बच्चों योजना एवं आकलन पुस्तिका। उसके बाद आता है विद्यार्थी मूल्यांकन प्रतिवेदन। विद्यार्थियों से मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार करवाया जाएगा कि हर बच्चा दूसरे छात्र का मूल्यांकन के आधार पर क्या बताता है कि उस बच्चे ने उस कक्षा में कितना सीखा। हर बच्चे से दूसरे छात्र के लिए एक प्रतिवेदन तैयार करवाया जाएगा। कार्यपत्रक, पोर्टफोलियो फाइल और संचयी अभिलेख पत्रक, इनके माध्यम से बच्चे का मूल्यांकन किया जाएगा। बच्चों तो विद्यालय के स्वरूप में क्या क्या बदलाव करने होंगे। अगर हमें सतत और व्यापक मूल्यांकन करना है तो पहला है शिक्षण योजना में बदलाव करना पड़ेगा, नियमित मूल्यांकन करना होगा, पाठ्यक्रम का प्रबंधन इस प्रकार से करना होगा ताकि बच्चे का सतत और व्यापक मूल्यांकन हो सके, बच्चे के सभी पक्षों का विकास हो सके। मूल्यांकन के उपकरणों और तरीकों में बदलाव करना होगा, कक्षा प्रबंधन एवं समय प्रबंधन को लचीला बनाना होगा, बच्चे की प्रगति को प्रदर्शित करने की तकनीक को अपनाना होगा, ज्ञान के सृजन का अवसर प्रदान करना होगा ताकि ऐसा वातावरण बनाया जाएगा ताकि हर बच्चे के ज्ञान के सृजन करने का उन्हें अवसर मिल सके। स्रोत पुस्तिका, योजना एवं आकलन पंजिका, विद्यार्थी मूल्यांकन प्रतिवेदन और कार्यपत्रक, पोर्टफोलियो फाइल और संचयी अभिलेख पत्रों के माध्यम से बालक का एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इस आधार पर बच्चे का होता है बच्चों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ग्रेडिंग पद्धति के आधार पर बच्चे का हर पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों को समझा जाता है और छात्र की प्रगति को रिकॉर्ड किया जाता है। इसे ही कहते हैं बच्चों हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ऐसा मूल्यांकन जो सतत हो, निरंतर हो, व्यापक हो, जिसमें मूल्यांकन के सभी पक्षों का ध्यान में रखा जाता है, जिसमें बच्चे को ग्रेडिंग दी जाती है और छात्र की प्रगति का हर दिन मूल्यांकन किया जाता है, वो पद्धति है बच्चों आपकी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेशन इवोल्यूएशन। ठीक है बच्चों, कल हम जो है बच्चों आपको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के महत्व के बारे में बताएंगे कि आज हमारे शिक्षा जगत में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के आधार पर क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, क्यों उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए बच्चे का, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों देखेंगे। और इसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाऊं और बीएड सेकंड ईयर के जो नवम पत्र मैं आपको पढ़ा रही हूं उसके जो मैंने आपको नोट्स लिखवाए हैं पीछे बोर्ड पर, उनको कॉपी में नोट डाउन करते जाइए बच्चों। आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे और एक अच्छी शिक्षा प्रणाली में एक अच्छे शिक्षक बन पाओगे, बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा पाओगे, तभी ये मेरा वीडियो अच्छा साबित हो सकता है बच्चों। और आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाती रहूं। तो आपको सब्सक्राइब करना है नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को।